कार पीडीआई, आपने नाम सुना होगा, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं उससे पहले अपनी गाड़ी को हम देखते हैं, गाड़ी ठीक है कि नहीं है, उसी को पीडीआई बोलते हैं। पीडीआई जरूरी है, करनी चाहिए, हम खुद करते हैं। अगर हमें नहीं आती है, हमें थोड़ी सी नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में, तो जिसको नॉलेज है हम उसके साथ जाकर भी पीडीआई कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत बार ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ भी है, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि पीडीआई हमने की है, 1-2-3 घंटे गाड़ी पर लगाए हैं और शोरूम वालों ने ना 1 मिनट में हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। पीडीआई करने के बावजूद भी हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी है जो थोड़ी खराब है, जिस पर डेंट है। अब गाड़ी ट्रांसपोर्ट होती है, कहीं ना कहीं उतारते हुए लेकर जाते हुए कहीं टच पिच कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है और उस गाड़ी को ऐसे ही किसी ना किसी कस्टमर को दे दिया जाता है। तो वो हमें ना मिले, उससे बचने के लिए पीडीआई करते हैं, और पीडीआई करने के बाद शोरूम की चालाकी क्या होती है उससे भी हमें थोड़ा सा बचना होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। अब एक एग्जांपल की बात करते हैं। काफी उसका थोड़ा सा बज रहा था, हल्ला रहा था। पंजाब साइड में एक डीलर है, टाटा के डीलर थे, और उन्होंने एक इसी टाइप से सफारी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा झोल झाल करके और कस्टमर को दे दी थी। यहाँ पर कंपनी की गलती कम होती है, डीलर टू डीलर डिपेंड करता है वो किस तरीके से क्या चीजों को हैंडल करते हैं। उनको दूसरी गाड़ी दे दी, गाड़ी में पहले दिन से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। उन्होंने बार बार उनको बोला, उनको चाबी भी दूसरी नहीं दी गई, सर्विस बुक नहीं दी गई। बाद में उन्होंने अपने एंड पर पता कराया कस्टमर ने, तो पता लगा ये पुरानी गाड़ी है, पहले किसी और कस्टमर को दी गई थी, उसने चलाया, इसमें प्रॉब्लम आई, वापिस उसने शोरूम को दे दी है। और जिस शोरूम पर उन्होंने पीडीआई भी करी थी, जिस गाड़ी की उन्होंने पीडीआई करी है, वो गाड़ी के बजाय ये गाड़ी जो खराब गाड़ी है ये इनको दे दी गई। कोर्ट केस वगैरह हुए, काफी हाई लेवल तक जो है ये इशू चला गया था, टाटा तक चला गया था, और उसके बाद शायद कोर्ट में कोई केस वगैरह हुआ, वो जीत भी गए, कुछ इस टाइप की खबरें काफी रही हैं। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, क्या हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, क्या लड़ने के लिए तैयार हैं? और मान लेते हैं यार ऐसा हमारे साथ हो गया, हम तैयार, हम कह देंगे यार ठीक है, हम तो खाट खड़ी कर देंगे, तो क्यों मतलब इतनी सिरदर्दी लेनी? वो 2-3 साल क्यों खराब करने, हम थोड़ा सा पहले ही क्यों ना ध्यान कर लें। अब यहाँ पर 3-4 तरीके हैं जहां पर हम थोड़ा सा मतलब ठगे जा सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, हमें एक दिन पहले बुला लिया जाता है कि आ जाइए आप अपनी गाड़ी चेक कर लीजिए। बहुत बार बुलाया भी नहीं जाता, हम खुद बोल देते हैं हमें गाड़ी चेक करनी है, पीडीआई करनी है, तो हमें बता देना। तो वो एक दिन पहले हमें बता देते हैं, हम जाकर पीडीआई करते हैं गाड़ी की, 1-2 घंटा उसमें लगाते हैं, डिटेल में गाड़ी को देखते हैं, घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम वहां पर गए, अब हमारी गाड़ी चमचमाती हुई वहां पर खड़ी है, हमने अपनी गाड़ी की डिलीवरी ली और आ गए। यहाँ पर हम बहुत बार गलती क्या कर देते हैं, जब पहले दिन हम गए ना वहां पर गाड़ी का चेसी नंबर जो है वो नोट करते ही नहीं है। अब सेम गाड़ी दिखती है, आपने कोई भी गाड़ी ली है उसका जो वेरियंट है वो तो सेम ही दिखेगा ना। आज आपने कौन सी गाड़ी देखी, कल आपको कौन सी गाड़ी मिल रही है, हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमें विन नंबर बोलते हैं, चेसी नंबर बोलते हैं, उसकी एक फोटो खींच कर रख लेनी है। नेक्स्ट डे जब हमें वो गाड़ी मिलेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका चेसी नंबर मैच करना है, क्या हमने इसी गाड़ी की पीडीआई की थी ना। अगर वही गाड़ी है तो फिर बेटर हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है कि हम इस चीज से बचने के लिए सेम डे ही गाड़ी की पीडीआई करना पसंद करते हैं, पहले दिन नहीं करेंगे, यार कौन झंझट में पड़े। हो सकता है ओवरनाइट भी हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं आगे पीछे वो कर रहे हैं, कहीं लग सकती है, तो हम सेम डे जो है वो गाड़ी की पीडीआई करेंगे, उसमें चेसी नंबर का कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेम डे हम गए, उन्होंने हमें जो उनका स्टॉक यार्ड है वहां पर गाड़ी दिखा दी, हमने वहां पर पीडीआई कर दी, उसके बाद हम शोरूम पर आ गए, आपकी गाड़ी आ रही है, धुलधाल गए, आपकी गाड़ी आ गई, आपने गाड़ी की डिलीवरी ली। अब यहाँ पर भी चांस होते हैं, और मैंने देखा है ऐसा होते हुए, अगर किसी शोरूम के पास कोई फॉल्टी गाड़ी खड़ी है ना, तो वो उसको बेचने के लिए कितने भी तरीके अपना सकता है, और ये तरीका भी मैंने होते हुए देखा है। वहां पर फिर से आपकी गाड़ी चेंज कर दी जाएगी, जो चीज एक दिन पहले गाड़ी देखने में कर रहे थे वो सेम डे भी कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर से गाड़ी चेंज कर दी जाती है। तो हर बार सबसे पहला रूल आपको ये बनाना है, आप सेम डे करें, 1 दिन पहले करें, 10 दिन पहले पीडीआई करें, तो उसमें आपको चेसी नंबर जो है उसका नंबर जरूर नोट कर लेना है, एक फोटो खींच लेनी है, और जब भी आप गाड़ी की डिलीवरी ले सबसे पहले आपको नोट करना है ये वही गाड़ी है या नहीं है। फिर एक और चीज है, जब हम पीडीआई करते हैं, हमने चेसी नंबर नोट कर लिया और उस गाड़ी में हमें प्रॉब्लम मिल गई, बहुत बार हो सकता है ऐसा, कोई ना कोई ऐसा तो है नहीं कि हर गाड़ी परफेक्ट रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग जाता है और वो प्रॉब्लम वाली गाड़ी हमें दिख गई। अब हमने उनको बोल दिया है ये गाड़ी हम नहीं लेंगे, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, हल्का सा डेंट है या कोई क्रोच लगी हुई है, कुछ भी है, कोई माइन्यूट सी भी प्रॉब्लम है, हम पैसा नई गाड़ी का दे रहे हैं तो हम माइन्यूट सी भी प्रॉब्लम क्यों लें?
तो उसके बाद उनके पास एक और जवाब हो सकता है। यहाँ पर वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, वो बोल देंगे आपको सर यही पीस खड़ा है, बाकी सब बिक गए हैं, नेक्स्ट लोट आने में 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ते 1 महीना कुछ भी टाइम आपको बता देंगे, वो लग सकता है, या तो आप उसका इंतजार कर लीजिए, अदरवाइज ये तो माइन्यूट सी प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप डिलीवरी आज ले लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना आप तो आपका जो ये प्रॉब्लम है इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दूर कर देंगे, उसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, या फिर आपको 5-7 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम मिल गई है ना, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे इसको ठीक कर देंगे और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री आपको 5,000 रुपये का हम डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फुटमेट दे देते हैं, कुछ भी आपको इस टाइप से कोई भी चीज़ें दे दी जाएंगी। अब हमारी साइकोलॉजी तो क्या कहेगी, आज हम गाड़ी के लिए तैयार होकर आए थे, खुशियां तो हमारे मन में फूट ही रही थी, लड्डू फूट रहे थे, नई गाड़ी आएगी, कहाँ ये बोल रहे हैं, 1 महीना भी लग सकता है, हम कल का इंतजार करने को तैयार नहीं है, ये 1 हफ्ते के लिए भी बोल रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा खेला जा सकता है। फिर साथ में थोड़ा सा हमें सांत्वना दिया जाएगा, सर क्या है इसमें, छोटी सी तो है, हो सकता है आप गाड़ी लेकर निकले और गाड़ी में तो छोटी मोटी लगती रहती है, कल को स्क्रैच तो लगेंगे, आप कब तक इसको नहीं रखेंगे, और साथ में देखिए आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट है और इसको तो ठीक तो करा ही रहे हैं ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैनिपुलेट करा दी जाएंगी, हम वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और फिर आप चक्कर काटते रहिए, ऊपर से अप्रूवल नहीं आया है, मैनेजर ये बोल रहे हैं इसको हम ठीक करा देंगे, वो कह रहे हैं पार्ट चेंज नहीं करेंगे, इसको डेंट पेंट करा देंगे, तो उसके बाद गाड़ी आपकी है, वो उन्होंने मुजबानी बोला था, कहीं कोई लिखित नहीं था, तो इस टाइप से भी चीजें होती हैं। आपको गाड़ी नहीं लेनी है तो आप साफ बोलिए ठीक है मेरे को नहीं लेनी है, 1 महीने बाद आएगी मैं तभी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर उनके पास खड़ी होगी ना गाड़ी तो आपको दे देंगे, आज नहीं देंगे तो कल दे देंगे, और अगर नई खड़ी है तो नई गाड़ी आने दीजिए ना, आप नई गाड़ी के पैसे दे रहे हैं, वो अपनी साइकोलॉजी से मत खेलने दीजिएगा। और लास्ट वन मोर थिंग, एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका चलता है, आपने गाड़ी देख ली, PDI कर ली, चैसी नंबर नोट कर लिया, जब गाड़ी आई आपने उसका चैसी नंबर चेक किया, किया ये वही गाड़ी है नहीं है, और आपने देखा अरे ये तो दूसरी गाड़ी है, आपने उनको बोला मैंने ये गाड़ी चेक नहीं की थी, ये मेरी गाड़ी नहीं है, उनके पास सिंपल सा अरे ओ गलती हो गई, 2 गाड़ियां खड़ी थी ना वो बराबर बराबर में, तो आपकी वो वाली गाड़ी थी, ये उठाकर हम ये 2 कर लिया, कोई बात नहीं दोनों सेम ही है, आप एक बार इस पर नजर मार लो ना, कोई टेंशन नहीं है सर, वो हमारी गारंटी है, आप देख लीजिए, वो बस बराबर बराबर खड़ी थी, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये धुल डाल के आ गई है, अब वो गाड़ी दोबारा से निकाल लेंगे, धोएंगे, उसके डॉक्यूमेंट थोड़े तैयार करेंगे, हमने इसका थोड़ा सा ये कर दिया है, उसमें 1-2 घंटा और लग जाएगा, या हो सकता है कल तक प्रोसेस चली जाए, आप इसको देख लो। अब ये बोलने के बाद ना, और जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं ना, जिस भी सेल्स एग्जीक्यूटिव से हमारी बात होती है, वो सिर्फ एक बार नहीं होती है, 2-3-4 बार हम विजिट करते हैं, उसके साथ एक थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है, जो वो इस तरीके से बोलता हम उसको मना नहीं कर पाते कि हाँ यार ठीक ही बोल रहा होगा, वो बोलते हैं ना यार हम आपस में इतना आपके साथ ये थोड़ी ना करेंगे, हम इतने टाइम से अपने आप को आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, और एक सरसरी सी नज़र मार लेते हैं, पहले जो PDI हमने 1-2 घंटे में की थी ना, अब वो PDI इस गाड़ी के साथ 5 ही मिनट में हो जाती है, और अगर उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई तो काफ़ी चांस है कि 5 मिनट में वो चीज़ ना पकड़ में आए जो चीज़ हमें 2 घंटे बाद हो सकता है पकड़ में आ सकती थी। तो यहाँ पर भी या तो आप उस गाड़ी को भी फिर से 2 घंटे दीजिए, अच्छे से PDI कर लीजिए, या फिर बोल दीजिए कोई बात नहीं आप गाड़ी वही मंगाइए, मैं इंतज़ार कर लूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को अगले 10 साल तक ये गाड़ी चलानी है, 1 दिन 1 घंटा 2 घंटा और दे दूंगा, उस चीज़ की कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इन चीज़ों पर भी थोड़ा स्ट्रिक होना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी PDI करें हमेशा गाड़ी पहले धुलवा लेनी है, फिर सूरज की रोशनी में खड़ी करनी है या बढ़िया बाहर की लाइट में खड़ी करनी है, उसके बाद गाड़ी चेक करनी है। स्टॉक यार्ड में धूल वाली गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें आप चेक नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी डिटेल्स जो है मिस हो जाती है, तो पहले उसको धुलवाइए, अच्छे से धुलवाइए, उसके बाद PDI करनी है, और तब जो है आपकी चीज़ें काफ़ी बढ़िया रह सकती हैं। बाकी फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। इस टाइप के वीडियोज के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।